इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से। उत्तराखंड की सरकार पर छाए संकट को टालने के लिए कांग्रेस पूरी कोशिश में जुटी है। खबर है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत के समर्थकों को हेलीकॉप्टर के जरिए उत्तराखंड के मारचूला भेजा गया है। 28 मार्च को हरीश रावत को सदन में बहुमत साबित करना है। उससे पहले दोनों ही पार्टियां अपने अपने विधायकों को एक दूसरे की नजरों से बचाने में जुटे हैं। अभी कुछ तस्वीरें सामने आई है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो विधायकों को हेलीकॉप्टर से उन्हें भेजे जाने से ठीक पहले की है। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, हरीश रावत लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनकी सरकार बच जाए, विधायकों को भी गुप्त स्थान पर भेजा गया है, उनकी कोशिश कितनी रंग लाएगी? ये देखिए, दोनों ही तरफ से कोशिश की जा रही है कि अपने अपने विधायकों को एकजुट रखा जाए ताकि कोई दूसरे उनकी हॉर्स ट्रेडिंग ना हो पाए। जाए कोई बीजेपी और कांग्रेस के बाजी विधायक गुड़गांव में डेरा डाले हुए, मैं दूसरी तरफ हरीश रावत ने अपने सभी जो विधायक हैं इनको रामनगर भेजा है, जो कि नैनीताल जिले में आता है और जिम कॉर्बेट के पास में है। इनका ये कहना है कि हमारे विधायक होली मनाना चाहते थे परिवार के साथ, लिहाजा हमने उनको रामनगर भेज दिया। उसका मकसद यही है कि कोई उनके विधायकों को और कोई टूट न होने पाए, कोई और उनको अप्रोच न करने पाए। इसलिए कांग्रेस चाहती है, फूक फूक के कदम रख रही है, लिहाजा अपने सभी विधायकों को परिवार के साथ लोगों ने भेज दिया, रामनगर भेज दिया है, ताकि अगर बीजेपी की तरफ से कोई कोशिश अगर होती है तो उस पर निगरानी बनी रहे, नजर बनी रहे कि कौन किसको अप्रोच कर रहा है। और उन सभी विधायकों पर सरकार के साथ साथ हरीश रावत के साथ साथ जो आईबी है उसकी पल पर नजर बनी हुई है और हर रिपोर्ट सीएम हरीश रावत को दी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बना रखिए, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आनंद प्रकाश पांडे बता रहे थे कि दोनों पार्टियों की कोशिश है कि किसी तरह वो अपने विधायकों को कब्जे में रखें। फिलहाल